सभी के, मनीष कुमार मीना, सुष्मिता यादव, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और इसको मैं छुपा देता हूं, इस आंसर को मैं छुपा देता हूं। ठीक है, इसको अपन छुपा देते हैं, या फिर ये लाना है अपन को, ठीक है, या फिर आप समझ जाइए, कल भी मैंने कराए थे ऐसे प्रश्न, अब इनसे ऐसे कैसे लाएंगे देखें आप, ठीक है। देखो किस प्रकार से करेंगे, देखेंगे आप लोग, यहां पर LHS से लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर देखो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये है। मैंने आपको एक रूल बताया था, चार रूल बताए थे, ठीक है, उन फोर्थ रूल में चौथा रूल देखिए आप, आपने यदि लिखा है तो चौथा रूल बताइए मुझे, चौथा रूल क्या है एक बार थोड़ा सा याद दिलाइए मुझे, ठीक है। जो मैंने कल आपको चार रूल लिखाए थे, चार नियम बताए थे, उनमें चौथा नियम था कि भाई यदि sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा हो, या फिर cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा हो, या फिर 1 प्लस माइनस साइन थीटा हो, या फिर 1 प्लस माइनस कॉस थीटा हो, यही थे अपने, ठीक है, कि यदि sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा हो, cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा हो, या फिर 1 प्लस माइनस साइन थीटा हो, या फिर 1 प्लस माइनस cos थीटा वाले व्यंजक को विपरीत चिन्ह से गुना और भाग करते हैं, यही था अपना। तो देखें आप ये चौथे नियम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखें आप थोड़ा सा, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सर ये चौथे नियम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, चौथे नियम में आ रहा है। तो चौथे नियम में आप क्या करोगे, विपरीत चिन्ह से गुना और भाग, तो माइनस का विपरीत क्या होगा, प्लस, इससे गुना किया और इसी का क्या लगाएंगे आप, भाग लगाएंगे, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। अब आप देखेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और मतलब साइन स्क्वायर a, ये बना बटे नीचे, यहां पर देखेंगे आप ये cos a, इसको जो के तो रहने दो, 1 प्लस साइन a, यही बचा, ठीक है। और आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर a अपॉन cos a गुना 1 प्लस साइन a, ठीक है। तो आप देखेंगे एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा फाइनल आपका, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये आपका फाइनल आंसर बना है। देख लें आप कैसे बना, समझ में आया आपके, समझ में आया आपके सभी के, देख रहे हैं आप इस तरीके से आप इनका जवाब बहुत अच्छे से दोगे। अब आप देखो इसका शॉर्ट, और भी शॉर्ट देखिए इसका, और शॉर्ट ये, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करो, ठीक है, और चिन्ह चेंज कर दो बस, यहां पर चिन्ह माइनस है तो प्लस कर दिया, यही आंसर है। इसको क्या किया आपने, उल्टा किया, ठीक है, क्या किया आपने, उल्टा किया, और उल्टा करके आपने क्या किया, चिन्ह को चेंज कर दिया बस, यहां पर माइनस की जगह प्लस, यही आंसर हो गया आपका, खत्म, आपको ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसको उल्टा करोगे, यहां पर उल्टा करेंगे तो ऊपर ये नीचे कॉस है तो ऊपर कॉस पहुंच जाएगा, और यहां पर चिन्ह को चेंज कर देंगे, ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना आप, उल्टा करेंगे, उल्टा, ठीक है, और चिन्ह चेंज, चिन्ह चेंज, ठीक है, ये आपका आंसर, क्लियर। क्योंकि भाई एग्जाम में अपन को किसी को दिखाना तो यही नहीं है, आपको तो फटाफट आंसर देना आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आप इस तरीके से करोगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लीजिए आप, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है,
जैसा कि ये प्रश्न है, अब इसका आंसर पूछे आपसे, ठीक है, मैंने आंसर को छुपा दिया, इसका आंसर पूछे तो आप तुरंत आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे बोलो, क्या आंसर दोगे, इसको उल्टा करोगे तो, उल्टा करोगे तो क्या होगा, वन, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए अपॉन नीचे साइन ए, ये फाइनल आंसर हुआ। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, इनको उल्टा करना है और चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। तो इसको देखो, उल्टा किया तो यहाँ पर ये वन माइनस कॉस ए ऊपर गया तो माइनस की जगह प्लस हो गया, और साइन ऊपर है तो नीचे आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। देख लो आप, मैं बता देता हूँ आपको आपका आंसर, ये लो ये रहा आंसर आपका, समझ रहे नहीं, ठीक है। और आप निकालना जानते भी हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात। ये देखिए यहां पर ये सिंपल प्रश्न है बिल्कुल, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर फाइ अपॉन कॉस स्क्वायर फाइ, यही है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो अंडर रूट टेन स्क्वायर फाइ होगा ये, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा, ये टेन फाइ, ये आपका आंसर बन गया, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, कुछ करना है क्या, कुछ करना ही नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, यहां पर ये करा दिया था मैंने अपरिमेय पद वाला, ठीक है, तो परिमेयकरण करेंगे।